जो लोग है इसमें से बहुत से लोगों ने शायद अटेंड किया हो तो पता है, ओके। डिफरेंशिएशन कंसेप्चुअली अगर देखना है तो आप थोड़ा सा वीडियो डिटेल में एक बार देख लीजिए, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में, क्योंकि अभी आप ऑफलाइन है तो थोड़ा सा आपको समझना भी चाहिए, अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं रहेगा, ओके। तो डेरिवेटिव क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए हम डिफरेंशिएशन लेते हैं या फिर डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, इसके अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों को फिजिक्स में काम आने वाला है, मैथ्स में डिफरेंशिएशन अलग अलग सेंस से यूज होता है, अलग अलग मतलब से या फिर अलग अलग डेफिनेशन से यूज होता है। फिजिक्स में जहां तक सवाल आता है, फिजिक्स में आप लोगों का रिलेशन इस चीज से सबसे ज्यादा आता है, बराबर है? इस वर्ड से हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्वांटिटी। एवरी टर्म जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो दैट इज सम क्वांटिटी। अब वो कोई भी किसी भी टाइप का क्वांटिटी हो, क्वांटिटी के सभी टाइप्स आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है, मे बी बाय दिस टाइम। तो जो भी टाइप का क्वांटिटी आप समझ रहे हो, उस क्वांटिटी को जब आप पढ़ते हो तो बहुत से क्वांटिटीज ऐसी होती है कि जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक। जैसे आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला भी पढ़ लिया ना, मैं अगर वेलोसिटी को पढ़ना चाहता हूं तो शायद ऑब्वियसली मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा हम उसको कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। बट मेरे लिए वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी एंड टाइम इज ऑल्सो क्वांटिटी। अब इसमें से वेलोसिटी जो क्वांटिटी है ये एक्चुअली किससे रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम से। तो मैं ये बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जो भी रेशियो बनेगा, नाउ रेशियो इज अ वेलोसिटी, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये अगर हमारे लिए कोई रेशियो फॉर्म कर रहा है तो रेशियो हमेशा क्या देता है? रेशियो ऑलवेज गिव यू द रेट ऑफ चेंज, वो आपको रेट ऑफ चेंज देता है, ठीक है। सो मेरे लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या बन रहा है? ये सर्टन क्वांटिटी बन रहा है, इट इज अ सर्टन क्वांटिटी अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो हम इसको एक सेंस में बोल सकते कि दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है, उसका रेट क्या होना चाहिए? सो रेट इज ऑलवेज अ रेशियो। कोई भी रेट अगर हम बोल रहे हैं, हम शायद मार्केट में कोई कुछ भी खरीदने जाए, अगर हम उसका पूछ रहे रेट नहीं, चलिए एप्पल है क्या, हम बोल देते कि चलिए कुछ 100 रुपीज पर डजन है। So 100 रुपीस पर डजन इज एक्चुअली व्हाट इज अ रेट ऑफ एप्पल, ठीक है। यहाँ पे दो क्वांटिटीज है, डजन एंड रुपीस, बराबर है? उसका जो रेट आप निकाल रहे हो तो दैट समथिंग, उनका जो रेशियो हम ले रहे हैं दैट इज रेट, वो हमारे लिए रेट बन गया। सो एवरी रेशियो फॉर्म सम रेट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका सिंपल मतलब ये भी होता है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होने का जो रेट है, नाउ दैट रेट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो फिजिक्स में आप वेलोसिटी को ऐसा भी डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, ठीक है। अब ये फिजिक्स का डेफिनेशन हो गया, हमारे लिए वो नहीं देखना है। आप फिजिक्स में इस कंसर्न में पढ़ने वाले हो तो किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो जो रेट ऑफ चेंज है, दैट रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव, उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो मैं दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकता हूं, वेलोसिटी इज अ डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ वेलोसिटी, बट एट द सेम टाइम आई कैन से दैट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑल्सो वेलोसिटी, वो भी वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, इसके साथ टाइम के साथ। तो डेरिवेटिव का आपको फिजिक्स में ये मतलब रहेगा, ये उसका कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके प्रीवियस लेक्चर में, ये सब है, ठीक। फिर भी आप लोग में से कोई अटेंड नहीं थे तो थोड़ा सा शॉर्ट रिमाइंडर रख लीजिए कि हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं, जस्ट टू नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज का रेट ऑफ चेंज जहां आपको लेना है वहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट आएगा, साथ में डिस्प्लेसमेंट सॉरी डेरिवेटिव आएगा, नॉट डिस्प्लेसमेंट। सो डेरिवेटिव का और आपको काम कहां पे आता है कि जहां भी आपको कोई पर्टिकुलर इंटरवल दिया है उसमें स्मॉल रेट ऑफ चेंजेस कहीं पे पढ़ना है, बेक्स पढ़ना है उनको इंटरवल्स को, तो वहां भी आपको हर बार डिफरेंशिएशन लेना पड़ता है। क्योंकि डिफरेंशिएट करने का सिंपल मीनिंग ये भी होता है ना, टुकड़े करना, और इंटीग्रेट करने का मतलब होता है जोड़ना, सबको एक साथ जोड़ देना। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है अपनी जगह पे। तो फिलहाल हम टुकड़े करना पड़ रहे हैं ऐसा समझ लेते हैं, डिफरेंशिएशन वी आर लर्निंग राइट नाउ, फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। पहले डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ये डेरिवेटिव, इसमें हमने बोला था कि चलिए वाई एक अगर क्वांटिटी है, ये किससे रिलेटेड है? एक्स,
इफ वाई इज अ क्वांटिटी रिलेटेड टू एक्स, ठीक है, तो हम बोलते थे कि चलिए वाई और एक्स अगर दो क्वांटिटीज है, ये एक दूसरे से अगर रिलेटेड है, तो हम क्या करते थे, हम वाई का रेट ऑफ मेजर निकालते थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हम डिनोट करते हैं डीवाई बाई डी एक्स. ओके, सो इसको हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब डीवाई बाई डी एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हम इसको सिंपल ये भी पढ़ते हैं कि डी डी एक्स ऑफ वाई, या फिर उसको डीवाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी एफ डैश ऑफ एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं. एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है, ये अगर फंक्शन है हमारे लिए तो ये इसका डेरिवेटिव होगा. तो इस तरीके से डेरिवेटिव लिखा जाता था. फिर हमें क्या करना है कि डेरिवेटिव के कैलकुलेशन अगर पढ़ना है तो कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हमारे पास फंक्शन है कि जिनके डेरिवेटिव हमें पता होने चाहिए, ठीक है, विदाउट प्रूविंग देम वी आर डायरेक्टली यूजिंग देम. तो वो फिर उनके फॉर्मूले कुछ बनाए हमने, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने लिख के रखे थे, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको वो स्टैंडर्ड रिजल्ट पता नहीं है तब तक इधर के डेरिवेटिव्स कुछ निकलने वाला है. ओके, तो आप लोगों को वो वीडियोस में सब मिल जाएगा कि किसका क्या डेरिवेटिव होता है, बट सिंस यू आर सिटिंग हियर और हमें प्रॉब्लम ही पढ़ना है इसके बाद, तो फिर पता होना ही चाहिए. ओके, तो शॉर्ट में बता देता हूं, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है इस टाइप के फंक्शन का, एक्स टू द पावर एन, अल्जेब्रिक फंक्शन बोलेंगे हम, फिर ये एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स टू द पावर फाइव हो सकता है, एनी एक्स का कोई भी पावर, अगर इसका कभी डेरिवेटिव निकालना रहा तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन इज ऑलवेज गिवन बाय एन इनटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये उसका रिलेशन रहेगा या फिर फॉर्मूला रहेगा. और एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव है ये एन मल्टीपल बन जाता है, सामने आता है, तो एन इंटू एक्स टू द पावर इसका जो इंडेक्स है वन से कम हो जाता है, तो इट इज एन माइनस वन. कभी अगर मुझे दिया है कि चलिए एक्स टू द पावर फोर का डेरिवेटिव बताओ, तो ये फोर सामने आएगा और फोर माइनस वन हो जाएगा, सो दैट इज फोर एक्स क्यूब will be the derivative, ठीक है, x to the power 4 का derivative, so it is 4x cube, ठीक है, तो इस तरीके से आप इस relation को use कर सकते हैं derivative निकालने के लिए. ये algebraic function का हो गया. कभी अगर हमारे सामने exponential function आता है, मान लीजिए a to the power x है, ठीक है, where a is constant and x is variable, तो power में जहां पे variable आता है वो exponential function, जहां power में constant आता है वो algebraic function, ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये वाला है, यहाँ x टू द पावर कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट टू द पावर x, तो जहां वेरिएबल पावर में आता है इट्स अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर a टू द पावर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये भी हमने लिखा हुआ है a टू द पावर x log of a, ठीक है, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x. सिमिलरली अगर डेरिवेटिव मुझे एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर x का निकालना है, तो e इज अ सर्टन इरेशनल नंबर, एक पर्टिकुलर इरेशनल नंबर है, ठीक है, सो e टू द पावर x अगर है तो देन डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज ऑलवेज e टू द पावर x, ठीक है, यही रिलेशन से बनता है. ये अगर कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है तो फॉर्मूला यही होता है a टू द पावर x log a, बट जहां e टू द पावर x आएगा तो ये क्या बनेगा, e टू द पावर x log e बनेगा, ठीक है. अब लॉगरिथम में हमेशा याद रखना कि log e अगर मैं निकाल रहा हूं, बेस अगर लिखा नहीं है तो लॉगरिथम का बेस कौन है, itself e है, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम में, तो log of e to the base e इसका वैल्यू हमेशा होता है 1, this value is always 1, so that's why e to the power x log e मतलब 1, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बना, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x, यहाँ पे हम log e अलग से नहीं लिखेंगे क्योंकि log e का वैल्यू 1 होता है, तो ये अपने लिए एक्सपोनेंशियल का रिलेशन था. वैसे ही कभी अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, जिसे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स निकालना है, सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाय एक्स, ये हमेशा 1 बाय एक्स होता है, ठीक है, तो लॉगरिथम का डेरिवेटिव जो भी आप निकालेंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स रहेगा, तो ये भी याद रखना है 1 बाय एक्स. वैसे फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का निकाला था, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो वो कॉस एक्स रहेगा. वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स अगर निकालना है तो इट इज माइनस साइन एक्स, ये माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, ठीक है, कहां से आया कैसे आया रिलेशन उस पर अभी कुछ ध्यान नहीं देना है, बस फॉर्मूले आपको पता होना, ठीक है, सो इट इज माइनस साइन एक्स,
अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स निकालना है, ठीक है, इट इज सेक स्क्वेयर एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वेयर एक्स. देन डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स. ओके, ये माइनस ऑफ कोसेक स्क्वेयर एक्स रहेगा. वैसे अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स निकालना है, दैट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स. ये उसका डेरिवेटिव होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स. ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स का अगर हमें काम आया, तो इट इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. ये अपने रिलेशंस थे, एटलीस्ट इतनी इंपॉर्टेंट तो आपको है, आना ही चाहिए. उसके बगैर अपने डेरिवेटिव फंक्शन के निकालने वाले नहीं है. तो ये कुछ ऐसा एक लिस्ट आपको लिखवा के दिया हुआ है, पहले दिन जिस दिन डेरिवेटिव स्टार्ट किया था. आप इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बोलो या इनको फॉर्मूली बोलो डेरिवेटिव, सब अपने काम में आने वाला है. जो लोग ऑनलाइन है, आप में से पहले जो लोग प्रेजेंट है, आपके लिए थोड़ा सा रिविजन होगा ये. सब रिजल्ट्स अभी तैयार है अपने पास. तो अब ये रिजल्ट्स को यूज करके हमने डेरिवेटिव निकालना भी शुरू किया था. ठीक है, ऑलरेडी हम इसके डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं. तो जब हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, तो डेरिवेटिव के कुछ रूल्स लिखे हुए थे, अलग अलग रूल्स लिखे. उसमें से पहला रूल तो आपका यह था कि जब भी आपको डेरिवेटिव निकालना है k इंटू एफ ऑफ एक्स का. ओके, सो यहां पे k इज अ कॉन्स्टेंट, k कॉन्स्टेंट है, बट उसके साथ प्रोडक्ट आया है किसी फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स का आया है. तो k इंटू एफ ऑफ एक्स का अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो ये डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, तो यहां पे जो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव यहां नहीं निकलता है, कॉन्स्टेंट इज केप्ट एज इट इज. k इंटू इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. दिस इज द रिलेशन, ये पहला रूल था डेरिवेटिव का. व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ के इनटू फंक्शन, दैट मींस के इज अ कांस्टेंट एंड एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. तो ये के कांस्टेंट रहेगा और इधर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा. अब इसका यूज कहां पे होगा, जैसे मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव निकालना है 5 साइन एक्स का, 5 इनटू साइन एक्स. तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल हमें कहता है कि यहां पे जो 5 है ना, ये कांस्टेंट का कुछ नहीं होना है, वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो साइन एक्स का मल्टीपल है. सो किसी फंक्शन का अगर मल्टीपल है, तो उसमें कोई कांस्टेंट में चेंज नहीं होता है. अब जो बचा है साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स. तो यहां पर जो साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स. तो मुझे 5 साइन एक्स अगर दिया है, तो उसका डेरिवेटिव रहेगा 5 कॉस एक्स. तो रूल कहता है कि Keep this multiple unchanged. इसका कुछ नहीं करना है. क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहां पे जो 5 हमारे पास है ना, ये constant है. तो दूसरा रूल हमारे पास ये भी है, that derivative of a constant. तो k हमारे लिए constant हो गया. तो constant का जब भी आप derivative निकालेंगे, तो हम लोग पढ़ चुके हैं derivative होता क्या है, rate of change. बराबर, किसी भी quantity का rate of change होता है. भाई जो constant है, उसका rate क्या change होगा, constant means which is fixed, जो पहले ही fixed है. अब जो ऑलरेडी कांस्टेंट है, फिक्स है, उसका तो चेंज ही नहीं होने वाला है. अगर उसमें चेंज होने वाला ही नहीं, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या रहेगा, ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि उसमें कोई चेंज होना ही नहीं. तो दैट्स व्हाई डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, अब हमारे पास 5 इंटू साइन एक्स जब आता है, तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव जीरो होता है ना, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो हो जाएगा. सो इसलिए हमारा रूल इंपॉर्टेंट है कि 5 साइन एक्स का मल्टीपल है, तब आपका 5 में चेंज नहीं होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बनेगा. ठीक है, सो दिस इज द रूल k इनटू f ऑफ x. ओके, तो ये भी एक रूल हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं. ये दूसरा रूल है कांस्टेंट का, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो. तीसरा रूल बाद में हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, मान लीजिए अगर दो फंक्शन का आपको एडिशन दिया है,
यहाँ पे u इज अ फंक्शन एंड v इज अ फंक्शन, दो फंक्शन का एडिशन दिया है और उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो पहले ये समझना है कि u हमारे लिए एक फंक्शन है, वो फंक्शन है ये ठीक है, बट फंक्शन है तो किसका है, वेरिएबल कौन है? क्योंकि हम जब बोलते हैं ना y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो यहाँ पे देखिए f फंक्शन है, बट f किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है. तो दैट x इज इंपॉर्टेंट, वेरिएबल x है, इसलिए हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, आप जो डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो. तो y अगर x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकलेगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहां पे हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, बट किसका निकाल रहे हैं? u प्लस v का. भाई u भी एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है कि u एंड v दोनों फंक्शन है तो दे मस्ट बी द फंक्शन ऑफ x, वो दोनों x के फंक्शन होने चाहिए. जब तक ये दोनों x के फंक्शन नहीं है तब तक हम उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते. ओके, सो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर u और v बोथ आर दी डिफरेंशियबल फंक्शंस ऑफ x, यानी ऐसे फंक्शंस है कि जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. मैं अगर वर्ड बोल रहा हूं कि डिफरेंशियबल फंक्शंस ऑफ x, तो डिफरेंशियबल मतलब दोज हु आर एबल टू गेट डिफरेंशिएट, जिनका डिफरेंशिएशन हो सकता है या फिर जिसका डेरिवेटिव आपको पता है. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v हमेशा क्या रहेगा, दो फंक्शन के एडिशन का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? तो अपना रूल कहता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर u प्लस v दोनों की एडिशन है तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, विच इज गिवन बाय du बाय dx. ओके, प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v का डेरिवेटिव क्या बनता है? dv बाय dx. ओके, तो ये हमारा एडिशन का रूल है. अगर दो फंक्शन का एडिशन गिवन है और उसका डेरिवेटिव निकालना है तो वो रहेगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव. यानी किसी को अगर निकालना है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है. तो देखिए यहां पे साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, बट साइन किसका फंक्शन है? एक्स का. ठीक है, जो हमारे लिए यू है. कॉस किसका फंक्शन है? एक्स का. अब दो फंक्शन के एडिशन का डेरिवेटिव निकालना रहा तो रूल क्या कहता है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स. प्लस सेकंड का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव. सेकंड कौन है? कॉस एक्स. कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स. ओके, सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. तो एडिशन का डेरिवेटिव हम इस रूल से निकालेंगे, इस रूल का यही कहना है. ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है. तो दिस इज द रूल फॉर एडिशन, ये एडिशन का रूल. वैसे अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है सब्ट्रैक्शन का, दो फंक्शन का डिफरेंस दिया है u माइनस v, तो u सब्ट्रैक्शन के लिए डेरिवेटिव का रूल कोई चेंज नहीं होता है, सिंपल du बाय dx माइनस dv बाय dx, ये सब्ट्रैक्शन का रूल रहेगा. ठीक है, दो फंक्शन का अगर सब्ट्रैक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दिस इज द रूल. तो यहां तक का पोर्शन ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पर इसके आगे का भी हुआ है थोड़ा सा, प्रोडक्ट रूल भी हुआ था. ठीक है, बट उस दिन शायद कुछ नेटवर्क इशू था तो बाद में बंद हो गया था. तो यहां तक क्लियर है सब लोग? किसी को डाउट है पूछ लो, अभी आगे चल के आने से अच्छा अभी पूछ लो, क्योंकि आप में से किसी ने अटेंडी नहीं किया है तो फिर हो सकता है दिमाग में कुछ डाउट है. नहीं, इधर भी किसी को डाउट नहीं, आगे बढ़ सकते हैं. चलिए हम यहां से फिर आगे शुरू कर देते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. चलिए प्रोडक्ट रूल, मान लीजिए अपने पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u एंड v. ठीक है, वेयर बोथ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x. ठीक है, so y is equal to u into v a, product of two given है, where u and v are differentiable functions of x, जहां पे u और v है ना वो दोनों x के function. तो फिर अगर मुझे इस function का derivative निकालना है, इसका अगर derivative find करना है कि इसका derivative कैसे निकलेगा, तो हम उसको differentiate करेंगे with respect to x obviously, क्योंकि दोनों x के function है तो with respect to x ही differentiate होगा. okay, so y का derivative हमेशा होता है dy by dx, ये तो चेंज नहीं होना है, वो एज इट इज रहेगा dy by dx. अब अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है और उसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है
तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव क्या निकलेगा? तो अपना रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दैट इज यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. दिस इज द रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे नहीं रहेगा, पहले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे का डेरिवेटिव, नो, प्रोडक्ट से रूल चेंज होता है. सो प्रोडक्ट का रूल क्या कहता है? इफ देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस देन डेरिवेटिव कैसे मिलेगा? फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. सो दिस इज व्हाट द रूल फॉर प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करते रहो जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट. तो ये प्रोडक्ट का रूल रहेगा. अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते कि दोनों का प्रोडक्ट अगर गिवन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना. चलिए, जो लोग ऑनलाइन है आप भी अपना अपना कुछ भी क्वेरी रहा तो पोस्ट करते जाओ. ठीक है, सामने स्क्रीन है तो मैं देखते रहूंगा, अगर आपको कुछ इश्यू लगता है तो आई विल एक्सप्लेन इट. ठीक है, आप लोग तो डायरेक्टली पूछ सकते हो, आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर है सब लोग? बिल्कुल कोई डाउट नहीं? नहीं, ठीक. चलिए एक एक एग्जाम्पल फिर सॉल्व करके देखते हैं. आपको दिया है फर्स्ट फंक्शन e टू दी पावर x इंटू टेन एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है. दो फंक्शन का प्रोडक्ट है. अब जब भी डेरिवेटिव निकालना है हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को y बोल देते हैं. जो भी गिवन फंक्शन है वो हमारे लिए y है. सो नाउ y इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू टेन एक्स प्रोडक्ट ऑफ टू. ओके, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि पहला फंक्शन ये भी x का है, दूसरा फंक्शन ये भी x का है, दोनों x के ही फंक्शन है. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएट, तो y का डेरिवेटिव होता है dy by dx. अब अपना प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई करो. ये दो फंक्शन है जिसका प्रोडक्ट है e टू दी पावर x और दूसरा फंक्शन है tan x. तो रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन कौन है वो, इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. सो ddx of tan x derivative of second plus second function वो है tan x into derivative of first. तो first कौन है? e to the power x. तो this is the entire rule. ठीक है, ये पूरा rule हो गया अपना product का. So e to the power x into derivative of tan x plus tan x into derivative of e to the power x. Apply किया rule. अब actual derivative निकाल के देखते हैं. तो पहला तो e to the power x है into tan x का डेरिवेटिव अपने फॉर्मूले में लिखा हुआ है, ये पता होना ही चाहिए, उसके बगैर आता ही नहीं फिर कुछ. सो e to the power x into sec square x tan x का डेरिवेटिव प्लस tan x into डेरिवेटिव ऑफ e to the power x, ये क्या होता है? ओके, सो दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव. अब यहाँ पे कुछ सिंपल अल्जेब्रिक कैलकुलेशन पॉसिबल है तो कर सकते हैं. जैसे e to the power x दिख रहा है, e to the power x दिख रहा है, आप चाहो तो e to the power x को कॉमन ले सकते हो. ये अगर कॉमन जाता है तो अपने पास बचेगा sec square x plus tan x. Now this is what the required derivative of given function. ये अगर फंक्शन है e to the power x into tan x तो इसका ये डेरिवेटिव है e to the power x into sec square x plus tan x. Okay? So this is how we can find the derivative of product. आप प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. आप लोग नोट डाउन भी करते चलो और फंक्शन सॉल्व भी करते चलते. उधर से दिखता है क्या वो, आप लास्ट में बैठे हैं? अच्छा, उसके पास से लिखना पड़ता है. बेटर है एक जन इधर आके बैठो ना, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दिखेगा कुछ नहीं तो फिर वो ऑनलाइन जैसे लगेगा. ऑनलाइन में कम से कम स्क्रीन भी दिखता है, यहाँ तो लाइन में ही स्क्रीन गायब है आपका. फिलहाल आप लोग कम है ना इसलिए इधर बैठा है, उधर दूसरा एक क्लासरूम है वहां भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन दो लोगों को एक साथ बैठना है फिर सामने बैठ जाने का, इधर का एक वहां भी बैठा तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लियर है? अभी आगे बढ़ सकते हैं. चलो मैं फंक्शंस लिखता हूं, आप लोग उसका डेरिवेटिव निकाल के देखो.
sec x into root x, this is the next function. So y हमारे लिए हो गया sec x into root of x, differentiating with respect to x. With respect to x differentiate करते हैं, लगाओ product का rule. First function into derivative of second plus second function into derivative of first. This is the product rule. ये अपना product rule बन गया. फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. चलिए आगे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट फंक्शन सेक एक्स है, वैसा ही रहेगा. नाउ रूट एक्स का डेरिवेटिव, आप इसको x टू द पावर n लगा सकते हो, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला है रूट एक्स का, 1/2 रूट एक्स. ओके, आपके लिस्ट में नहीं होगा तो एड करते जाना एक एक फंक्शन. मैंने कुछ आपको रेगुलर फंक्शन बता दिए. For sec x into 1/2 root x plus root x into derivative of sec x, which is sec x into tan x. अब जो कैलकुलेशन आपको लगता है हो सकता है वो करके देख लेने का. फिलहाल अपना एम है डेरिवेटिव फाइंड करना. ठीक है, ये डिटेल्स जो भी कैलकुलेशंस रहेंगे वो आगे आएंगे जब आप लोग जेई के लिए सब पढ़ेंगे, वहां पे डेरिवेटिव और डिटेल में आएगा कैलकुलस. तो बहुत आगे के लेवल तक आप सॉल्व कर सकते हो. सेक एक्स कॉमन जाएगा तो बचेगा क्या, 1/2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू टेन एक्स. ठीक है, फिर 1/2 रूट एक्स इंटू साथ में प्लस एक्स भी है तो एडिशन भी तो हो सकता है. ठीक है, बट एट दिस लेवल नॉट एक्सपेक्टेड. तो फिलहाल हम उसका कैलकुलेशन का अवॉइड करते हैं, आप सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना फिलहाल पढ़ते हैं. ठीक है, आप sec x कॉमन ले लो, जस्ट इतना इनफ है. तो 1/2 रूट एक्स प्लस टैन एक्स बचेगा. ओके, रूट एक्स टैन एक्स सेकंड इज. चलिए नेक्स्ट फंक्शन a टू द पावर x log x. लेट द गिवन फंक्शन बी y, ये हमारे लिए y हो गया a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ x. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज dy बाई डी एक्स. नाउ फिर से प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, अप्लाई करो प्रोडक्ट करो. फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ओके, सो ए टू द पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स. अब जिसका डेरिवेटिव पता है रख दो ए टू द पावर एक्स. लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1/x, यहां पे लॉग एक्स है अपने पास, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स, सो इट इज ए टू द पावर एक्स लॉग एक्स. ये डेरिवेटिव बन जाएगा. और क्या कैलकुलेशन हो सकता है, तो यहां पे कुछ a टू द पावर x है कि जो कॉमन दिख रहा है, आप चाहो तो a टू द पावर x कॉमन ले सकते हो. बचेगा 1/x प्लस log x इनटू log a. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यूर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव. इस तरीके से हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते. चलिए अनदर फंक्शन 2 टू द पावर x इंटू टैन एक्स, 2 टू द पावर x इंटू टैन एक्स, इसका भी डेरिवेटिव बना के देखो. सो y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू टैन एक्स. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू गेट डेरिवेटिव dy बाय dx. फर्स्ट फंक्शन इज 2 टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x.
प्लस टेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज टू टू द पावर एक्स. तो आपका डेरिवेटिव रूल हो गया फॉर प्रोडक्ट. अब बस डिफ्रेंसिएशन कर लो, टू टू द पावर एक्स इंटू, बताओ टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अब याद हो गया है sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू टू टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, टू टू द पावर एक्स इंटू लॉग टू. ठीक है, टू कॉन्स्टेंट है तो वो कौन सा फॉर्मूला हो गया, ए टू द पावर एक्स वाला. बस ए की जगह पे टू आया है, इतना ही चेंज है उसमें. नहीं, टू की जगह अगर वेरिएबल आता है तो वो हो जाएगा एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है ना. लेकिन अगर ये वेरिएबल नीचे है और कांस्टेंट एक्सपोनेंट पे दिया है, यानी क्या बनेगा फिर, वो एक्स स्क्वायर बनेगा है? तो ये फिर हमारे लिए अलजेब्रिक हो गया. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, एक्स टू द पावर एन वाला. यहाँ पे कौन सा लग रहा है, ए टू द पावर एक्स. ओके, चलिए बन गया डेरिवेटिव. कुछ होता है तो करके देख लो, वहां पे टू टू द पावर एक्स कॉमन निकल सकता है, बाकी और कैलकुलेशन तो करना नहीं है. इट इज एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स लॉग टू, अगर टू टू द पावर एक्स कॉमन जाता है तो. चलिए, जो लोग ऑनलाइन है आप भी करते रहिए कैलकुलेशंस, डाउट आता है तो पूछते रहिए, ठीक है. क्लियर है तो बता सकते हो, या फिर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो. x टू द पावर 5 इंटू कॉट एक्स, ये प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकाल के देखो. सेकंड टर्म आया वैसा, ठीक है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. टेन एक्स टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर एक्स, ये प्रोडक्ट दिया है आपको, 10 एक्स टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर एक्स. तो करके देखो डेरिवेटिव फिर से. एज यूजुअल फर्स्ट फंक्शन अपने लिए u बनेगा, दूसरा फंक्शन हमारे लिए v बनेगा. तो पहला फंक्शन हमारे पास है 10 एक्स टू द पावर 7 और दूसरा है 7 टू द पावर x. तो नाउ अप्लाई द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. तो आपको dy बाय dx मिल जाता है 10 एक्स टू द पावर 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7 टू द पावर x. तो 7 टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है 7 टू द पावर x इंटू लॉग 7, देन प्लस 7 टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10 एक्स टू द पावर 7. अब 10 एक्स टू द पावर 7 में क्या है, 10 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसका, एक्स टू द पावर 7 का. वो क्या होता है, 7 एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 दैट इज 6. ठीक है, ये एक्स टू द पावर 7 है ना, ये तो एक्स टू द पावर 7 का डेरिवेटिव है एक्स टू द पावर n, वो वाला फॉर्मूला. तो 7 सामने आएगा और पावर 1 से कम हो जाएगा, तो ये बन जाता है 10 इंटू 7 एक्स टू द पावर 6. तो 10 इंटू 7 ये तो 70 हो गया. ओके, तो ऐसा आपका डेरिवेटिव निकला होगा. अब यहां से आप जो चाहे वो कॉमन ले सकते हो, 10 है कॉमन, यहां भी 10 है, x टू द पावर 6, x टू द पावर 6 कॉमन जा सकता है. ओके, देन 7 टू द पावर x है, 7 टू द पावर x है, ये भी कॉमन जा सकता है. तो आपको यहां पे दिखेगा दैट 10 x टू द पावर 6 इंटू 7 टू द पावर x, कितना पार्ट आपका कॉमन जा रहा है. ठीक है, आपके पास प्रॉपर डेरिवेटिव लिखा है उसका, ये मैंने सब एक ही स्टेप में लिख लिया है. ओके, सो 10 x टू द पावर 7 है, उसमें से 10 x टू द पावर 6 कॉमन गया है, तो बचा क्या है यहाँ पे, x. यहां से 7 टू द पावर x कॉमन गया है, बचा कौन, log 7 प्लस x log 7 पहले बचा,
दूसरी जगह से x टू द पावर 7 कॉमन गया है, x टू द पावर 6 कॉमन गया है, 70 में से 10 कॉमन गया है, ठीक है। फिर बचा कौन अपने पास वहां पे, 7 बचा है, बाकी दूसरा कोई टर्म वहां पे नहीं बचता है, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव आया होगा 10x टू द पावर 6 इंटू 7 टू द पावर x इंटू ब्रैकेट में x log 7 प्लस 7, ठीक है। समझ गया प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करना है, ओके। फंक्शन तो हजारों बनेंगे, आप बैठे बैठे जितने चाहे उतने फंक्शन बना सकते, दो फंक्शन लो उनका प्रोडक्ट लिख लो, प्रॉब्लम तैयार, वो बनाना कोई बड़ी बात नहीं। सो प्रोडक्ट रूल आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ये अपना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमें पढ़ना प्रोडक्ट रूल है, डेरिवेटिव्स तो फंक्शन के फॉर्मूले है ऑलरेडी, वो जितने अलग अलग फंक्शन बनाएंगे आप उतने अलग अलग प्रॉब्लम बनेंगे, ठीक है, उसका कोई लिमिट नहीं। सो यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, बस उतना ही हमने समझना है, ओके। तो क्लियर हो इसके बारे में, ठीक है।